रात के अंधेरे में आसमान में दिख रही ये रोशनी कोई आतिशबाजी नहीं बल्कि ईरान का शक्ति प्रदर्शन है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने इसराइल के 100 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया है। देर रात से कान के पर्दे फाड़ने वाली आवाजों के साथ साथ जोरदार धमाका सुनाई देता रहा। इसराइल की एयर डिफेंस तकनीक फिर तार तार होती रही। ईरान ने इस हमले को ऑपरेशन टू प्रॉमिस नाम दिया है। इजरायली सेना के सूत्रों ने कहा कि 100 से ज्यादा ड्रोन ने अचानक हमला किया। बताया जा रहा है कि ईरान ने हमले में अपने खतरनाक किलर ड्रोन का इस्तेमाल किया है। ये ड्रोन बिना शोर मचाए दुश्मन के इलाके में गुपचुप घुसपैठ करने में माहिर है। इस मामले में ईरान ने ड्रोन के साथ साथ मिसाइलों से भी हमला बोला है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक करीब 150 से ज्यादा मिसाइलों से इसराइल के सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया। ईरान के निशाने पर इजरायली रक्षा बलों और वायु रक्षा मुख्यालय थे। इस हमले के बाद से पूरे इसराइल में सायरन की आवाज सुनी गई। हालांकि कुछ ड्रोन को अमेरिकी सेना ने मार गिराने का दावा किया है। AFP की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना ने इसराइल को निशाना बनाकर लॉन्च किए गए ईरानी ड्रोन को मार गिराया। वहीं इसराइल का आयरन ड्रोन डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव हो गया है। इसराइल की तरफ से दावा किया गया है कि वो ज्यादातर हमलों को नाकाम करने में कामयाब रहा। उधर ईरान का कहना है कि हमला इसराइल के अपराधों की सजा है। दरअसल 1 अप्रैल को सीरिया में वाणिज्य दूतावास पर हमले के बाद ईरान ने बदला लेने की बात कही थी। इस हमले में एक टॉप कमांडर समेत 7 सैन्य अफसरों की मौत हो गई थी। ईरान ने इस हमले के लिए इसराइल को जिम्मेदार ठहराया था। वहीं इसराइल ने इस हमले की ना ही पुष्टि की थी और ना ही इसे खारिज बताया था। बहरहाल नतीजा ये रहा कि जिस युद्ध का डर था वो भड़कने की कगार तक पहुंच गया है। हालांकि दुनिया के कई देशों ने दोनों को संयम बरतने की सलाह दी है।